फैंस जो है अक्सर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए, फेवरेट एक्टर के लिए इनसे कई सारे सवाल जो है वो पूछ लेते हैं। ऐसे में दिशा से भी कई सवाल पूछे गए हैं। दिशा ने एक सवाल का जवाब बड़ा ही अच्छा दिया है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। खैर हमें हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ता है लेकिन पर्सनल फीलिंग्स कभी कभी आ जाती है, तो यहाँ पर ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिये बिग बॉस के मामले में या हर चीज के मामले में न्यूट्रल रहना पड़ता है, नहीं तो आप जनता ही हमें कहेंगी कि भाई आप जो है किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हो पाता है कि हम किसी एक को सपोर्ट करें। हमारे लिए सब एक बराबर होते हैं, सबके साथ हमें रहना पड़ता है। सो आप यहाँ पे, यहाँ पर आपको बता दूं कि दिशा परमार से कई सारे सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर एक यूजर ने उनसे पूछा कि राहुल वैद्य और रुबीना दिले की जो दोस्ती और बॉन्डिंग नजर आ रही है, इस बात पर आपका क्या कहना है, और जिस पर रुबीना की तारीफ करती नजर आती है यहाँ पर, और वो कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से खेलती है अपना गेम, और इनफैक्ट ये लोग 5 महीने तक साथ में रहे हैं, तो डेफिनेटली पर्सनल ग्रजेस को छोड़ के देखा तो गुड वाइफ भी उन्होंने कहीं ना कहीं जीती। अब ये तारीफ देखकर कहीं ना कहीं यूजर्स को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कैसे रुबीना की तारीफ कर सकती हैं जबकि रुबीना तो कॉम्पिटिटर है यहाँ पर राहुल वैद्य का। जिस पर दिशा इस बात को कह देती है कि भाई देखिए नेगेटिविटी ढूंढने के जो कारण है इसे ढूंढना बंद कीजिए, बिग बॉस के गेम शो पर पॉजिटिव चीजें भी हैं, उस पर ध्यान। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि दिशा के इस बात से आप कितना अग्री करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या है राय, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे बिग बॉस और बॉलीवुड की ऐसे ही चटपटी सारी गॉसिप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।